हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने KGF चैप्टर 2 देख ली होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे KGF 3 की स्टोरी के बारे में और क्या KGF 3 सल्लार मूवी से रिलेटेड है, अगर है तो ऐसा क्यों है। इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है KGF चैप्टर 2, आगे जाइए देख के मूवी को, तब इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा लास्ट फिल्मी टॉक था, फिल्मी टॉक 8, उसमें हमने बात की थी अगर रॉकी भैया जिंदा बच जाते हैं तो KGF की कहानी किस तरह से होगी, वो जो 3 ईयर का जो टाइम पीरियड हमें स्किप किया गया था उसके बारे में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर उसी ब्रेक में हमारे रॉकी भैया जिंदा बच जाते हैं तो कहानी क्या होगी। एक तो प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जितने भी शिपरेक का इवेंट वगैरह हुआ था वो सब रॉकी भैया के जानने के बाद ही हुआ था, रॉकी भैया ने करवाया था ताकि वो जितना पैसा है वो लेके निकल सकें, कि वो चुतिया नहीं है इतने सारे पैसे को डुबा के मर जाएंगे उसके साथ, क्योंकि उन्होंने वो एक एम्पायर खड़ा किया उसे खत्म नहीं होने देंगे। KGF चैप्टर 3 की कहानी रमिका सिंह से शुरू होगी। ऐसा दिखाया जा सकता है कि जो 3 साल के टाइम में जो भी कुछ हो उसको एक छोटे से सार के तौर पर हमें दिखा दिया जाए और KGF चैप्टर 3 उसके बाद कहानी शुरू की जाए। यही दिखाया जाए कि वहाँ पे वो शिपरेक में कैसे बचा, फिर वो वहाँ से कहाँ गया, वो जो भी फॉरेन आर्मीज आ रही थी वो कैसे आई, उस क्या उन्होंने उसे बचाई, इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया जाए। और जो सल्लार है, आप एक फोटो देखिए उससे एकदम मतलब थोड़ा सा एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। आपने जो फोटो देखा उसमें एक वो जो सरन शक्ति का जो KGF चैप्टर 2 में लॉकेट वगैरह वो सारे मैच कर रहे हैं और उनको मरते हुए नहीं दिखाया गया है। शुरू से दिखाया था उनके रोल को, वो बहुत ज़्यादा रॉकी भैया को पसंद करते हैं, उनसे एकदम अटैच्ड हैं, हार्ट टू हार्ट अटैच्ड हैं और उनको अपने भगवान की तरह मानते हैं। हो सकता है वहाँ पे अधीरा ने उन्हें ना मारा, उसे जिंदा छोड़ दिया हो और रॉकी भाई उसे बचा लेते हैं और उसे एक अलग जगह ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं ताकि वो एक नया जो KGF खड़ा हो उसे बना सके। विदेश में जो भी फॉरेन में जो भी झोल झपटा किया है रॉकी भैया ने, उन सारी चीज़ों को वो कर रहा हो उनके देख रेख में, उनके निगरानी में, उनके नीचे रह के, और उनका नाम पूरी दुनिया में फैला रहा। उसी चीज़ को शायद सल्लार मूवी में दिखाया जाए उस कहानी होगी, उसने वहाँ पे बाहर देशों में क्या क्या किया, फिर से जो भी उसका पावर मतलब जहाँ पे वो ट्रेनिंग ले उसके बाद उसने क्या किया, इन सारी चीज़ों को KGF सल्लार में दिखाने के बाद उसको KGF 3 में रिलेट करके KGF की कहानी आगे बढ़ाई जाए। क्योंकि ये कोइंसिडेंट नहीं है ये दो लॉकेट्स का मिलना, फिर से जो सरन शक्ति का रोल था जो KGF चैप्टर 2 में उसकी माँ थी वही सेम उसमें भी रोल कर रही है सल्लार की माँ का, तो ये सारे चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। डायरेक्टर भी वही, टाइम स्लॉट भी वही, सारी चीज़ें एक साथ जिस तरह शो की जा रही है हमें ऐसा लगता है कि सल्लार KGF से रिलेटेड है और KGF का यूनिवर्स और बड़ा होने वाला है। और इसी के साथ साथ आपको हर जगह सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है सल्लार और KGF एक साथ आएंगे। अब ये तो हमें नहीं पता कि वो आएंगे कि नहीं, लेकिन हम एक तरह से कहानी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। क्या होगा क्या नहीं ये तो हमें वक्त आने में पता चल ही जाएगा। इतना नहीं हो, जो ट्रेलर देखने के बाद जो प्लॉट का सिनेमेटोग्राफी का फील आता है, मतलब फर्स्ट पोस्टर देखने के बाद सल्लार का, वो एकदम सेम आता है KGF की तरह। तो जो टाइम प्लॉट है सारी चीज़ें सेम है, इस तरह से कलर टोन कलर पैलेट भी एक तरीका का है। तो देखते हैं क्या होता है, सल्लार अगर रिलेटेड हो तो मज़ा आ जाएगा प्रभास और यश को एक साथ देख के स्क्रीन पे। अगर दोनों नहीं आते हैं तो जो लास्ट वीडियो हमने कहानी प्रिडिक्ट की थी उस तरीका से कुछ कहानी हो सकती है। अब कितनी सच हुई कितनी झूठी है तो समय आने में पता चल जाएगा। अगर वो आपको जानना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पे थ्योरीज मूवीज से रिलेटेड साथ ही साथ मूवी रिव्यूज ट्रेलर रिव्यू रिएक्शन लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलती है टाइम टू टाइम। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी FBI फैमिली का एक पार्ट बन सकते हैं। लग रहा है मार्वल DC का धंधा बंद करने वाला है KGF का यूनिवर्स, अगर सल्लार भीष्मा एक साथ जुड़ जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा। हो ऐसा तो आपको क्या लगता है इस बारे में?